दोस्तों स्वागत है आप सबों का झारखंडी राइडर यूट्यूब चैनल पर। और परसों हमने ब्लॉग बनाया था जो कि सिर्फ पब्लिक दुर्गा पूजा कमेटी का ही हम लोग दिखा पाए थे। आज सरायकेला के पांचों जो दुर्गा पूजा पंडाल हैं, आज उन सारे पंडालों को हम लोग आज देखेंगे और माता के दर्शन करेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले पहुंच रहे हैं हेसाउड़ी के पंडाल पर। ये अभी हम लोग हैं सरायकेला चाईवासा मेन रोड पर। यहाँ से हम लोग अभी लेफ्ट टर्न लेंगे और पहुंचेंगे दुर्गा पूजा पंडाल हेसाउड़ी में। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रही है। तो ये आ गया हमारा दुर्गा पूजा पंडाल हेसाउड़ी का। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे सरायकेला के पहले पूजा पंडाल पर। ये हेसाउड़ी में है। आज हम लोग हेसाउड़ी से होते हुए इंटांडी होते हुए हम लोग अभी जा रहे हैं। तो हमारे सरायकेला में पांच जगह पूजा होते हैं, जिसमें से चार जगह वैष्णव मत में होते हैं और एक जगह तांत्रिक मत में होते हैं। तो ये हेसाउड़ी है और यहाँ पर वैष्णव मत में पूजा होती है। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ माँ का पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद हम लोग बाकी सब जगह का भी विजिट करते हैं। और ये बता दूं कि ये पूजा पंडाल जो है यहाँ पर 2015 से ये शुरू हुआ है। तो चलिए अब माता के दर्शन करते हैं। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं, ये पहुंच चुके हैं हम लोग हमारे बस स्टैंड से दुर्गा पूजा मंदिर के पास। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सरकारी दुर्गा पूजा पंडाल पर। और यहां पर इस पूजा पंडाल की स्थापना हुई थी 1954 में, और उस समय ये एक झोपड़ी नुमा था, पुआल और खपरा का था। बाद में इसे धीरे धीरे इनोवेट करके इसको इस तरह का भव्य, आप देख सकते हैं कितना भव्य इस जगह को बना दिया गया है अभी। और मैं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को भी थैंक बोलना चाहूँगा कि वो इस तरह के पूजा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और यहाँ के भक्तों को आशीर्वाद के लिए, माता के भक्ति के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो चलिए अब माता के दर्शन करते हैं और फिर हम लोग फिर दूसरा पंडाल को आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इंद्र टांडी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सरायकेला के इस पूजा पंडाल पर, और यहां पर यहां के इस पूजा पंडाल के जो समिति के अध्यक्ष हैं वो अंकल जी हैं, तो विश्वदेव प्रसाद सिंह। तो इनसे अभी पूछते हैं कि अंकल जी थोड़ा हम लोग को बताइए कि हम लोग मैंने इस पूजा पंडाल के बारे में, ताकि दर्शकों को भी सबको पता चले इस पूजा पंडाल के बारे में। फिलहाल के लिए पूजा पंडाल के विषय में कहना ये है, इधर तो कोविड 19 है, इसलिए हम लोग सरकार के निर्देशानुसार सभी कार्यक्रम कर रहे हैं। थैंक यू अंकल, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और कहे कि इस बार तो देख रहे हैं कि सारा पंडाल जितना भी है भीड़ भाड़ भी कम है, और एक लिमिटेड ये में ही दायरा में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी से बना रहे हैं। हाँ, तो ये इससे पता चल रहा है कि सरायकेला का जो जनता है वो काफी जागरूक है। हाँ। और सभी जगह चाहे कहीं भी हम लोग घूम रहे हैं तो देख रहे हैं कि सब नियम के अनुसार ही हो रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है। तो ठीक है अंकल, फिर हम लोग विदा लेते हैं, धन्यवाद। और अभी हम लोग चलेंगे इंद्रकांडी के दूसरे पंडाल पर, तो चलिए। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सरायकेला के चौथे पूजा पंडाल जो कि इंद्रकांडी में है, और ये है बाल विकास शिक्षा निकेतन स्कूल के बगल में, और ये 1992 से यहां पर ये पूजा सेलिब्रेट किया जा रहा है, और काफ़ी भव्य तरीके से यहां पर पूजा मनाया जाता है। यहां पर वैष्णव मठ में पूजा होता है, तो इसके बाद इसके आगे और क्या बोलें, आप माता के दर्शन करें। तो अभी हम लोग चलते हैं पांचवें पूजा पंडाल पर जो कि दुर्गा पूजा, जिसका कि हमने पिछले ब्लॉग में वीडियो दिखाया था, तो अभी वहां चलते हैं और वहां पर हम लोग देखते हैं कि वहां का क्या अभी माहौल है। तो चलिए अभी चलते हैं दुर्गा पूजा पंडाल पर। लेकिन अगर कोविड 19 नहीं रहता तो यहां पर दुकान और ठेला वाला छोटे छोटे दुकानों की लाइन लगी रहती है, ये रास्ता पूरा जाम रहता है। ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता पूरा जाम रहता है। तो अभी हम लोग साइड रास्ता से हम लोग जाएंगे।
लोगों का स्वागत है हमारे पब्लिक दुर्गा पूजा कमेटी सरायकेला में। और यहाँ पर अभी हम लोग पहुँच चुके हैं और माता का दर्शन कर लिए हैं। साथ ही इस जगह से हमारी काफ़ी यादगार चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जो बचपन में यहाँ पर हम लोग आते थे, ये पूरा इलाका छोटे मोटे दुकानों से भरा रहता था। और तो दोस्तों, ये प्राचीन दुर्गा पूजा कमेटी जो है, ये हमारी पब्लिक दुर्गा पूजा कमेटी जो है, ये काफ़ी पुरानी कमेटी है। हम लोग थोड़ा साइड पे आते हैं और चलते चलते हुए बात करते हैं। तो ये काफ़ी पुरानी है, कितनी पुरानी है ये मुझे भी नहीं पता। और मेरे दादाजी परदादाजी लोग जब से थे तब से यहाँ पर पूजा हो रही है। और पहले झोपड़ी नुमा यहाँ पर भी ये था, घर था। और ये पीठ पीठ की तरह ये यूज होता है, ये यहाँ का एक पीठ है पकड़िए। तो काफ़ी सिद्ध जगह है ये। और हम देख सकते हैं कि यहाँ का खुला माहौल, पेड़ पौधे चारों तरफ, वनस्पतियाँ हैं, तो काफ़ी अच्छी जगह है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि इस ब्लॉग में हमने सरायकेला के पांचों पंडाल को कवर किया है। और बहुत सारे दर्शक का प्यार मिल रहा है, बहुत सारे दर्शक जुड़ रहे हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लाइक्स कमेंट्स मिल रहे हैं। आशा करता हूँ कि ये लाइक और कमेंट और सब्सक्राइबर की संख्या और बढ़ेगी। और इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।